साथियों नमस्कार, मैं रजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने में। साथियों आज की खबर जुड़ी है लॉयंस क्लब से। लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पर 24 लाख रुपए के गबन का आरोप, ये खबर है अखबार की। गबन का आरोप भी लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा ही लगाया गया है, पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। लॉयंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। इसके पूरे दुनिया में करीब 14 लाख सदस्य हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। भारत में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 3 लाख है। लॉयंस क्लब द्वारा अभिजात वर्ग को ही सदस्यता प्रदान की जाती है, ऐसा हम मानते हैं। लॉयंस क्लब द्वारा पूरे विश्व में, पूरे भारत में सेवा गतिविधियां चलाई जाती हैं। लॉयंस क्लब द्वारा सभी सेवा गतिविधियां अपने ही सदस्यों द्वारा जो आर्थिक सहयोग मिलता है उसी से चलाई जाती हैं। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमल भंडारी, जिनके ऊपर ये गबन का आरोप लगा है, वो डिस्ट्रिक्ट 3233 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। इस डिस्ट्रिक्ट में 110 क्लब हैं और करीब 3000 सदस्य हैं। चूंकि न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू सामाजिक सरोकार की बात करता है और लॉयंस क्लब एक सामाजिक संस्था है, लॉयंस क्लब में इस तरह की धोखाधड़ी और गबन का आरोप का मतलब है कि हमारी सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी हैं। हमारा सामाजिक ताना बाना पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। चारों तरफ हमें ठग, बेईमानी, मक्कारी दिखाई देती है। लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पर गबन के आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं, जबकि ये सारी राशि जो गबन की गई वो सदस्यों द्वारा जन सेवा हेतु दी गई थी। हमारा देश बेसिकली एक ठग प्रधान देश है। देश बनता समाज से है। हम देखते हैं कि पूरे समाज में घोटाले, बेईमानी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, चोरी, चपाटी, फ्रॉड, यही सब दिखाई पड़ते हैं। किसी सरकारी अधिकारी से पूछो कि तुम ये अवैध कमाई क्यों करते हो, ये रिश्वतखोरी क्यों करते हो, तो उसके दो ही जवाब होते हैं। एक जवाब ये होता है कि ऊपर देना पड़ता है, और दूसरा जवाब ये होता है कि हमने भी तो इस पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए दिए हैं, वसूली तो करना ही है। यही बात लॉयंस क्लब पे भी लागू होती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद पर चयनित होने के लिए चुनाव किए जाते हैं। चुनाव में सदस्य वोटिंग करते हैं, वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए कई तरह के लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दारू पार्टी प्रायोजित की जाती हैं, डिनर पार्टी प्रायोजित की जाती हैं, काफ़ी तरह से वोटर्स को लुभाने के लिए खर्चा किया जाता है, तब कहीं जाके वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद पर चयनित होता है। और जब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाता है तो वो भी वसूली करता है। वसूली तो सभी करते हैं, कुछ वाजिब करते हैं, कुछ ज़्यादा ही निर्दयी हो जाते हैं, ज़्यादा ही भ्रष्ट हो जाते हैं। लॉयंस क्लब जैसे संस्थानों में गुटबाजी बहुत होती है, राजनीति बहुत होती है, लेग पुलिंग भी बहुत होती है। लॉयंस क्लब जैसे संस्थान राजनीति का अखाड़ा बन के रह गए हैं। सेवा गतिविधियां दूर वो अपने संगठन में ही उलझे रहते हैं। इस बेईमानी और बदनामी से लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों को बचना और बचाना चाहिए। कई लाखों का बजट होता है एक साल का लॉयंस क्लब में, हर डिस्ट्रिक्ट में। उसको किसी के भी हाथों में सौंपने के पहले उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना चाहिए। ऐसे किसी के भी हाथों में इतनी बड़ी राशि सौंपना ही गलत है। उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से, उस उम्मीदवार से ईमानदारी का शपथ पत्र लेना चाहिए। इस तरह से सदस्यों के पैसे की लूट खसोट की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
हमारे देश में जन सेवा के जरिए ही लूट खसोट की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेता की संपत्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी नहीं बढ़ती। जन सेवकों से बच के रहें, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने ज़िले को, अपने गांव को, अपनी सोसाइटी को, अपने क्लब को ऐसे बेईमानों से बचा कर रखें। जनता ही इनको चुनती है और जनता ही धोखा खाती है, तो जनता को समझदार बनना पड़ेगा, सदस्यों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सत्ता पैसा सौंपना होगा जो उसका सदुपयोग कर सकें। जनता को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जनता को ही भुगतना है। नमस्कार।